लव गुरु के साथ है रेडियो सिटी पर। बात करना चाहते हैं अगर आप लाइव मुझसे, तो शेयर करिए अपना नंबर, टाइप करें LUV एक स्पेस देकर अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखें और भेजें इस मैसेज को 57272 पर। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर एक कॉलर है, आइए बात करते हैं उनसे। मैं एक लड़की के साथ में 5 साल प्यार किया, उन्होंने मेरे को धोखा दिया। मैं इतना रो रहा हूँ, मैं एक ही दिन में बिना यार निकल के जाता नहीं, मैं क्या करूँ बोलो। मैं बहुत बेकार में हालत है, मैं सच्ची बोलता, मैं सच्चा प्यार किया, उसने मेरे को धोखा दिया, मैं बहुत रो रहा हूँ। सर, जब जिंदगी में ऐसी परिस्थिति आ जाए जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, तब ऐसे समय पर एक हालात को, उस परिस्थिति को या एक फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेना शायद आपकी ज्यादा बेहतर मदद करता है। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि जब मोहब्बत में हमें धोखा मिलता है तब हमारा दिल दुखता है। हम खुद से बहुत सारे ऐसे सवाल पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो उसको लेकर इतनी ईमानदारी बरती, फिर भी एक इंसान ने मुझे चीट क्यों कर दिया। बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। रिश्तों का बनना बिगड़ना लगा रहता है। अब किसी की ईमानदारी पर, किसी की ऑनेस्टी पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो जिस चीज़ पर आपका वश ना हो, तो जैसा मैंने कहा उसको एक्सेप्ट कर लेना ज़्यादा बेहतर होता है। आई अंडरस्टैंड कि इस बीच हो सकता है कि आपने अपने सारे दोस्तों को खो दिया हो, आप उनके साथ टाइम वगैरह ना स्पेंड करते हो, क्योंकि जब एक इंसान आपकी ज़िंदगी में होता है पूरा फोकस उस इंसान पर होता है। तो दरअसल अपनी ज़िंदगी को थोड़ा और दूसरे तरीक़ों से एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करिए, एक हेल्दी एडिक्शन अपनी लाइफ में क्रिएट करिए अपनी हॉबीज़ के अराउंड। हम ऐसी सवाल पर आए दिन बात करते हैं, दैट हाउ टू गेट आउट ऑफ सच सिचुएशन, जब आप ज़िंदगी में एकदम से अकेले पड़ जाएं। सो ये एक वैक्यूम है जो क्रिएट हो गया है आपकी लाइफ में, थोड़ा समय लगेगा इस घाव को भरने में, तो समय लीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। कोई सवाल है अगर आपका भी तो कॉल करिए मुझे, नंबर है 01166919191।